हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह की भागम भाग चालू है, एक पकड़ो एक छोड़ो बस यही रहता है। तो दाल मैंने चढ़ा दी है, दाल पक रही है और इधर मैं व्यवस्था कर रही हूँ मसाला भिंडी बनाने की। भिंडी 4-5 दिन से ला के रखे हैं लेकिन मन नहीं हो रहा था उसको बनाने का, क्योंकि ये भिंडी बहुत कम खाते हैं। पहले खाते थे लेकिन पिछले साल से पता नहीं क्या हो गया, भिंडी बहुत कम खाते हैं। तो सोच रही थी कि कब बनाएं, मतलब लगता था ना कि कुछ और भी बने साथ में, ताकि अगर वो भिंडी ना खाएं तो दूसरी सब्जी खा लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मसाला भिंडी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को पहले धुल के अच्छे से और उसके बाद सुखा लिया था, तब इसको बड़े बड़े पीस में कट किया है। और फिर मैंने 1 चम्मच इसमें डाला था बेसन और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च, इनको अच्छे से मैंने कोट कर लिया पूरे भिंडी में। और जो एक्स्ट्रा बेसन था, देखे होंगे बिल्कुल थोड़ा था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से डाला था कि बचे ना, तो वो बेसन भी हम यूज़ कर लेंगे मसाले में भूनने के साथ में। और शाम के थोड़े से आलू रखे हैं उबले हुए, तो अगर ये कहेंगे तो इनके लिए सब्जी बना देंगे। और अभी सम्राट विराट को भी स्कूल जाना है, तो हो सकता है विराटू भी ना खाएं ये सब्जी, तो उनके लिए भी सब्जी बना देंगे। अभी पूछा नहीं है मैंने, पहले सोच रही थी कि सब्जी बना लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों लोग अगर खाएंगे स्वाद मिलेगा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी आलू की सब्जी बना देंगे, हो जाएगा विराट के लिए भी और इनके पापा के लिए भी। तो बस यहाँ पर भिंडी भुन गई थी और फिर मैंने दोबारा से इसमें सरसों का तेल डाला है। और सबसे पहले तड़के में जीरा डालना था लेकिन जीरा मैं भूल गई थी डालना, इसलिए फिर मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च, ये सारी चीज़ें चॉपर से चॉप कर ली थी और इनको भून रहे हैं। इधर विराटू को पता चल गया है कि मम्मी अभी आलू की सब्जी बनाएंगी, तो कह रहे थे मम्मी आलू की सब्जी मत बनाओ, चीला बना दो मेरे लिए मीठा वाला बार बार यही कह रहे हैं। तो हम मना कर रहे थे क्योंकि अभी 2-3 दिन हुए हैं ये मीठा चीला लेके गए थे, लेकिन इनको अभी मैंने हाँ नहीं बोला, ये चले जाते हैं फिर 10 मिनट में वापस आते हैं, मम्मी मीठा चीला बना दो प्लीज़, आज के बाद हम नहीं मांगेंगे। तो अभी हाँ बुलवाने में लगे हैं, जब हम हाँ बोल देंगे तो इनको तसल्ली हो जाएगी कि मम्मी अब बनाएंगी। तो ये देखिए हमारे लहसुन, प्याज, अदरक ये सारा कुछ पक गया था। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर पीसे थे बड़े बड़े, इनको डाल दिया है। और फिर इसके बाद इसमें मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे डाला है मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाला है, क्योंकि अभी मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया था तो यही कुटा रखा था, तो मैंने इसको ही डाल दिया है। और फिर 2 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर, इन सबको अच्छे से मिला के भून लेंगे। और अभी हाँ मैं भूल गई हूँ, इसमें डालना है गर्म मसाला थोड़ा सा। तो ऐसे खोल करके मसाला पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं ना, मसाला अगर ज़्यादा रहता है तो उसको ढक देते हैं, तो बहुत जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने दही निकाल ली है। और ये देखो शाम की सब्जी रखी थी, तो ये शाम की सब्जी से पराठा खा के आए हैं। और पिछले 1 घंटे से मम्मी मट्ठा चला रही हैं, इसका मक्खन नहीं निकल रहा है। अभी 10-15 दिन से पता नहीं क्या हो गया है, मौसम का प्रभाव है या फिर कुछ और, मतलब मट्ठा चलाते चलाते 1 से 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं लेकिन मक्खन निकलने का नाम नहीं लेता है। समझ में नहीं आता है कि गर्म है कि ठंडा है, मम्मी परेशान हो जाती, कभी कभी तो रख देती है ऐसे ही, मतलब सुबह चलाती मट्ठा नहीं निकलता उसको रख देती, फिर दोपहर में चलाती हैं, क्योंकि सुबह बहुत काम रहते हैं, थोड़ी देर 1 घंटे आधे घंटे तो आप टाइम दे सकते हो, लेकिन सारे काम को कट करके आप सिर्फ मट्ठे में लगे रहो ये नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर विराट का मुझसे काम नहीं हो रहा था, दाल नहीं गल रही थी, तो ये गए थे ऊपर सिफारिश लगा के आए, अपने पापा से कह के आए, दादी से कह के आए, तो फिर इनके लिए चीला बनाना पड़ा। तो सम्राट के लिए भी बना दिए टिफिन के लिए, घर में तो पराठा मैंने पहले ही बना दिया था सब्जी बनाने के पहले, और यहाँ पर मैंने सब्जी का काम रोक करके पहले चीला बनाया क्योंकि लेट हो रहा था स्कूल के लिए। तो ये लोग चले गए स्कूल, दोनों लोगों को स्कूल भेजने के बाद, तो ये देखिए मसाला वसाला भुन गया था, उसके बाद फिर से मैंने इसको चढ़ाया। तो बस फटाफट से मैंने गैस ऑन कर ली है और यहाँ पर 2 चम्मच जो मैंने दही निकाला था उसे डाल दिया है मसाले में, और मसाले में डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। तो आधा मसाला पहले भुना था, आधा काम बाद में हो रहा है, जैसे लग रहा बहुत लेट हो गया है। तो पहले स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी था, अब वो लोग स्कूल चले गए, अब कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था, पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि इसमें बेसन पड़ा है ना भिंडी में, तो वो थोड़ा सा पानी सोखता है, तो इसीलिए ज़्यादा पानी डाला, बाकी भिंडी पकने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था भिंडी में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान करके डाला था, वैसे भी भिंडी में बहुत जल्दी नमक तेज़ हो जाता है। तो ये देखिए हमारी मसाला भिंडी तैयार हो चुकी है, लग रही है ना बिल्कुल
हलवाई स्टाइल रेस्टोरेंट में ऐसे ही मिलती है ना मसाला भिंडी। और ये देखिए जो लहसुन पुराने वाले रखे थे पहले के, ये देखने में लग रहा है कि बस लहसुन ही लहसुन है, लेकिन इसको फोड़ो तो इसमें एक दो कली सही निकलती, बाकी पूरे ख़राब हैं। तो मम्मी कह रहे थे इसको फोड़ फोड़ के जो अच्छा है उसको बाहर निकाल लो, बाकी सब फेंक दो, क्योंकि और अभी यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं। लेकिन झाड़ू का कोई मतलब नहीं है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, चाहे जितनी बार झाड़ू लगाओ लेकिन इधर तो पूरा गंदा का गंदा ही दिखता है। और मज़े की बात तो ये है, जब बीच की गैलरी खुली रहती है तो पीछे जो कूड़ा रखा रहता है या कुछ कूड़ा जो पड़े रहते हैं वो सब उड़ उड़ के अंदर आते हैं सीधे, इधर तो पूरा गंदा रहता है। कोई आ जाए ना तो यही कहे कि इनके यहाँ झाड़ू नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता बिना झाड़ू लगाए। मम्मी कह रहे थे कि मत लगाओ, अभी तो फिर हवा चल रही है अंदर सब आता है कूड़ा। मैंने कहा मैं साफ किए दे रही हूँ, कूड़ा आए तो आने दो, क्या करना है, कम से कम मन को तो तसल्ली रहेगी कि हमने साफ कर दिया है। और अब 8 बजे के बाद ही पूरे घर में धूप आ जाती है, उधर आंगन में भी और इधर भी। इधर तो बस चल रही है, मेरे कमरे से शुरू हुई है, धीरे धीरे करके लिविंग रूम तक जाएगी। और थोड़ा सा लेट हो जाता है ना तो जहाँ हम लोग बर्तन धुलते हैं ना, यहाँ भी धूप रहती है पूरा दिन, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से जल्दी जल्दी रहती है कि कम से कम धूप ना लगे, बर्तन वर्तन धुल जाएँ। और फिर बर्तन के साथ ही मेरे कपड़े रहते हैं, तो बर्तन और कपड़े हमेशा एक साथ धुलती हूँ। और ये दोनों टाइम का है, मतलब सुबह में भी और शाम को ही, क्योंकि शाम को क्या होता है, क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है तो दिन भर कुछ खाते पीते रहते हैं बच्चे, तो उसमें बर्तन हो जाते हैं। और कपड़ों का क्या है, कपड़े आजकल 1 से 2 दिन पहन लो बस, उसके बाद फिर वो गंदे तो नहीं होते लेकिन पहन नहीं सकते हो, मतलब अजीब सी स्मेल हो जाती है, तो फिर चाहे पानी में ही धुल के डालें। मैं कपड़ों को डेली डेली धुलती रहती हूँ। मेरे ओंठ बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा सेक देना ज़रूरी रहता है। और ये देखिए मेरा लिप बाम ख़त्म हो गया है, पूरी ठंडी मैंने इसे ही यूज किया है और बहुत अच्छा था ये। और ये देखो 2-3 दाने दिख रहे होंगे आपको ना, रात में मच्छर काटे, मच्छरदानी में बिल्कुल चिपक के सो रहे थे, 3 जगह काटे, 3 जगह निशान बन गया। तो ये हमारा सिंपल सा मेकअप कंप्लीट हो गया है। मैंने बहुत सारे ब्यूटी, शांत रहो थोड़ी देर, मैंने बहुत सारे ब्यूटी के चैनल देखे हैं जिसमें दिखाते हैं ना कि डेली का मेकअप कैसे करें, उसमें भी बहुत ऐसे प्रोडक्ट दिखाते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिनको आप डेली डेली नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं डेली में फेयर एंड लवली लगाती हूँ, उसके ऊपर से थोड़ा सा पाउडर लगाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, फिर वो चाहे पॉन्ड्स का हो या फिर वो वाइल्ड स्टोन का जो आता है उसकी स्मेल बहुत अच्छी है, वो भी लगा लेते हैं। और बस हल्का सा लिप बाम, सिंदूर, बिंदी, बस ये हो गया सिंपल सा मेकअप। और कहीं आना जाना होता है तब भी मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। और सही बताएं ना, जब मेकअप आप नहीं करते हो ना, कभी कभार करो ना, तो पता नहीं इतना अजीब सा लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे हम खुद को ही नहीं अच्छे लग रहे हैं, भले ही सबको अच्छे लगे लेकिन खुद को लगता है कि हम बहुत ख़राब लग रहे हैं, बहुत गंदे दिख रहे हैं। और यहाँ पर अभी 3:30 बज रहे हैं, सम्राट विराट दोनों स्कूल से आ गए हैं, तो इन लोगों का यूनिफॉर्म खाली हो गया है धुलने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है तो कल के दिन इनका वाइट ड्रेस लगता है, तो बस इसको धुलना है। तो अभी देख रहे हैं कुछ कपड़े और नज़र में चढ़े हैं धुलने के लिए, तो उनको भी आज धुलेंगे। और इनको देखो, इनको बहुत प्यार आ रहा है, जब स्कूल से आते हैं तो अगर ये हमको देख लिए कहीं बैठे हुए या लेटे हुए तो बस ये बैग फेंक देंगे और हमको पकड़ लेंगे, कहेंगे मम्मी उठो नहीं, बस लेट ही रहो। इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है मेरे साथ खेलने में। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी कि घर के पर्दे बहुत ज़्यादा गंदे थे, मतलब एक होता है गंदा, एक होता है बहुत ज़्यादा गंदा, तो बहुत ज़्यादा वाले गंदे थे। क्योंकि सम्राट के पापा हों या सम्राट विराट हों, ये लोग कुछ खाएंगे पिएंगे या कुछ हाथ में लगा होगा, धुलेंगे हाथ तो सीधा पर्दे में इनका हाथ जाएगा, पर्दे में ही हाथ पोंछेंगे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं और इतने काले हो जाते हैं ना कि ऐसे छूटते नहीं हैं। विराट की तो आदत है कि अगर ये तेल वाला सामान भी कुछ खा रहा है ना तो वो भी हाथ जाके पर्दे में पोंछ लेगा, और तेल का धब्बा जानते हो कितना ज़िद्दी होता है, जल्दी से छूटता नहीं और बहुत गंदा दिखता है। और सही बता रहे ना कि कभी कभी इतनी चिड़चिड़ाहट होती है, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर नाक में दम कर रखा है। इतने सारे घर में कपड़े मैंने रखे हैं हाथ पोछने के लिए, लेकिन मजा लेके किसी रद्दी कपड़े में हाथ पोछेंगे तो सिर्फ पर्दे में ही पोछेंगे। कभी कभी बहुत ऊब लगती है, लगता है बस गंदे पड़े रहे, हम धुले ही ना। तो घर के एक एक पर्दे मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्दे में पोछें, जितने पर्दे हैं घर के बारी बारी सब में पोछेंगे। तो यहाँ पर हमारे पढ़ाकू वीर की पढ़ाई चल रही है और गिलास में पानी है नीचे, बोतल में पानी है, पानी वानी लेके बैठते हैं क्योंकि इस समय प्यास वाकई में बहुत लगती है। तो साथ में ही मैंने घर के पायदान भी रख लिए हैं, क्योंकि निरमा उरमा निकलता है ना तो वो पायदान भी फ्री में धुल जाते हैं, उसमें अलग से निरमा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पानी भी मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, क्योंकि जो तेल वाली चीज़ें होती हैं गर्म पानी से बहुत जल्दी छूट जाती हैं। तो
और जल्दी जल्दी में मैंने जो ये गर्म पानी डाला इसमें निरमा डाल के हाथ से ही घोलने लगे थे। अचानक से हाथ में जब गरम गरम लगा तो फौरन हाथ बाहर कर लिए। वो तो अच्छा था कि ज़्यादा पानी गरम नहीं था, नहीं तो फिर अभी दिक्कत हो जाती। तो पहले पर्दा जो है ना गरम पानी में भिगो के रख दिया एक साइड में, पहले इनके सबके यूनिफॉर्म धुल लें। और फ्रिज का कवर भी मैंने उतार लिया है, वो भी गंदा हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें धुल धाल के आज साफ़ सुथरी हो गई हैं, क्योंकि कल ज़्यादा कपड़े रहेंगे। कल है सैटरडे और संडे, ये दोनों कपड़े बहुत निकलते हैं, तो ये एक्स्ट्रा वाले भी कपड़े उसके साथ नहीं धुल पाते हैं। तो चलिए आज का सफ़र बस यहीं तक था, लेते हैं आप सबसे विदा। और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा अगर अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।